नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टिकोमा प्लांट केयर के बारे में बताऊंगी। टिकोमा एक बहुत ही हार्डी और एवरग्रीन प्लांट होता है। वैसे तो ये गर्मियों का प्लांट है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और गर्मियों में ये बहुत फूल देता है। पर देखिए, अक्टूबर मंथ में मेरे इस पिंक टिकोमा में इस समय ढेर सारे फूल आए हुए हैं। टिकोमा प्लांट कई सारे कलर में मिलता है, जैसे पिंक है, येलो है, ऑरेंज, ये इसके कॉमन कलर होते हैं। और ये बहुत ही हार्डी होता है और गर्मियों में ये काफ़ी अच्छा फूल देता है। इसे काफ़ी सनलाइट की ज़रूरत होती है। 8 से 10 घंटे सनलाइट में रखा रहे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और जिससे ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी करता है। ये दोनों तरह का होता है, ये बुश भी होता है और ये क्रीपर प्लांट भी है। देखिए, इस समय इसमें मेरे पिंक वाले टिकोमा में काफ़ी अच्छे फूल आए हुए हैं। जब हम इसको गमले में लगाते हैं तो गमले की सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इससे मैं गोबर की खाद, नीम की खली, यही देना प्रेफर करती हूँ। टिकोमा का प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये देखिए, येलो वाला टिकोमा का प्लांट है और ये पूरी गर्मियों भर काफ़ी सारे अच्छे फूल देता है।